नहाए खाए के साथ आज से लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है। छठ व्रतियों ने घरों में कद्दू भात बनाकर प्रसाद खाया। छठ व्रत करने वाली महिलाओं ने बताया कि आज से लोक आस्था का पहला दिन कद्दू भात के साथ छठ पूजा शुरू हो जाती है। दूसरे दिन खरना किया जाता है। तीसरे दिन संध्या के समय घाट पर जाकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर इसका समापन होता है। छठ व्रत करने वाली महिलाओं ने कहा कि पहले दिन नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है। इस दिन लोग गंगा स्नान कर अपने घर में मिट्टी के चूल्हे पर लौकी की सब्जी, चने की दाल, चावल बनाकर प्रसाद के रूप में खाते हैं। दूसरे दिन खरना किया जाता है, उसमें भी शाम के वक्त गुड़ और चावल का खीर बनाकर प्रसाद के रूप में खाया जाता है। क्यों किया जाता है? जिसको बालक नहीं हो रहा है जी, छठ मैया कहता है छठ मैया हमको बालक दे दो, जाता है बालक तो उसी के लिए शुभ करता है। जिसी का देह समांग में शरीर में कोई शरीर के दुख हो गया तो उसके लिए कहता है छठ में हमारे बच्चा ठीक हो जाए, हम करेंगे जोरा शुभ करेंगे, एक करेंगे लरियर लुटाएंगे, उसके लिए करता है। छठ कैसे शुरू हुआ? छठ शुरू हुआ शंकर भगवान पार्वती से शुरू हुआ है। गणेश कार्तिक के लिए करते हैं, जैसे बिहार ऐसे दिवाली के बिहान भे के गंगा स्नान करते हैं जी। फिर गंगा स्नान हो करके फिर उस सुबह में आते हैं तो मिट्टी लाते हैं, फिर नया चूल्हा बनाते हैं, घिया चावल सब बना करके जे अपना जो है फिर बना करके आज सब खाएंगे व्रत। फिर उसको सुबह कल खुना फिर सहेंगे, फिर रसिया बनाएंगे जी। खीर बनाएंगे, सोहारी बनाएंगे, फिर 10 बजे रात को फिर उसको खाएंगे, फिर सहेंगे। परसों फिर जाकर पहले अर्घ होगा, फिर फल फलूट लाएंगे सूप ले। पहले तो भैया दिवाली के सुबह से लहसुन प्याज सब बार देते हैं, ठीक है, गंगा नहा के आते हैं, अभी मट्टी लेके आते हैं, हाँ, मट्टी ला के गंगा जल छिड़क के चूल्हा बनाते हैं। हाँ, आज से जो बनाएंगे ना, जो बनाए हुआ चूल्हा पे कद्दू दाल भात यही खाएंगे आज, घिया का सब्जी और चावल दाल बना के यही खाएंगे आज। कल है दिन भर उपास रहेंगे, शाम को जाकर रात 9 बजे या 9:30 बजे करीब पूजा 10 बजे करके जब भी कुछ मीठा भोजन करेंगे। क्यों किया जाता है? जिसको बालक नहीं हो रहा है जी, छठ मैया कहता है छठ